Welcome back to Chef Sandeep Mehra channel. Today we'll be making pizza. As you all know, pizza is an Italian. तो आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। आप ये डिश चिकन के साथ भी बना सकते हैं, और इस डिश की खास बात यह है कि मैंने ये डिश बिना अवन और बिना यीस्ट के बनाई है। आज मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया है वो बेसिकली पनीर टिक्का पिज़्ज़ा है। ये बेसिकली इंडियन और इटालियन का फ्यूजन है जो आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए आपके क्या क्या लजीज लग रहा है और डिलीशियस लग रहा है, आपको इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके कमेंट्स और फीडबैक हमसे शेयर कीजिए, और जैसे हम हमारे चैनल पर जाके लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पिज़्ज़ा के बेस को बनाना शुरुआत करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए मैदा, जो करीबन 150 ग्राम मैंने लिया है। सॉल्ट, आप सॉल्ट स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें करीबन हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। चीनी, शुगर 1/4 टीस्पून। जैसे हम इस रेसिपी के में यीस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज करने वाले हैं, तो उसकी रेशियो है मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रहा हूँ। इसमें ऐड कर रहा हूँ करीबन हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। मुझे चाहिए इसके लिए 60-70 ग्राम दही, या आधा कप भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अपने मिक्स करते रहेंगे। आपको इसे धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है ताकि ये डो अच्छे से, पिज्जा का आटा अच्छे से घुल गया है। अब इस पे मैं तेल लगाने वाला हूँ। डो रेडी हो चुका है, इसको मैं भी थोड़ी सी ऑयल से ग्रीसिंग करने वाला हूँ। हम इसे करीबन 30-45 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये प्रूफ हो जाए। हमने इसे कवर कर दिया है। पनीर टिक्का पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले आपको पनीर को मैरिनेट करना है, जिसके लिए आपको चाहिए पनीर को एक बोल में ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ कट 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, सॉल्ट 1 टीस्पून। आप सॉल्ट को स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट करीबन 2 टीस्पून, 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। कलर के लिए आप इसमें चुटकी भर रेड टमाटो कलर, रेड कलर या फिर ऑरेंज कलर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें रेड कलर ऐड किया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और करीबन इसे 20-25 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट हो चुके हैं, हमने पनीर को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे पैन सीयर कर लेंगे, उसमें हल्का सा मैंने उसे ऑयल से ब्रश कर लिया है। अब हम इसे पनीर को कुक करना स्टार्ट करेंगे। मैंने सारा पनीर पैन में डाल दिया है और इसे मैं करीबन 7-8 मिनट कुक करूंगा ताकि ये जो सॉस है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। 4 मिनट के बाद मैंने इसे एक तरफ से पलट लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है इससे, इस तरह का कलर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब इसे मुझे और सेकंड साइड से और 2-3 मिनट कुक करना है। पनीर को बढ़िया कलर आ चुका है, अब मैं इसे पैन में से उतार लूंगा और गैस बंद कर दूंगा। का डो तैयार हो चुका है, जिसे हमने 45 मिनट प्रूविंग करने के लिए रखा था। देख सकते हैं ये अच्छे से फूल चुका है। पिज्जा का डो अच्छे से प्रूव हो चुका है। अब हम इसे 4 हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से। मैंने पिज्जा के डो को अच्छे से रोल कर लिया है। आप देख सकते 4 हिस्सों में मैंने इसे अच्छे से रोल कर लिया। अब हम पिज्जा बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले पिज्जा को रोल करना है अच्छे से। पिज्जा बेस को हम रोल करना स्टार्ट करेंगे। पिज्जा बेस रोल हो चुका है, अब हम इसे बेस को पैन में डालेंगे। इसे पूरी तरह से कुक नहीं करना है, बस एक साइड से हल्का हल्का कुक करके इसे टर्न कर लेना है। आपको बीच में इसमें हल्का हल्का फोक से इस तरह से करना है ताकि इसके जो एक्सेस एयर है वो निकल जाए और ये फूले नहीं, क्योंकि हमें पिज्जा बेस को फूलते नहीं चाहिए, हमें फ्लैट पिज्जा बेस चाहिए। हमें बेस को इतना ही कुक करना है। अब हम पनीर टिक्का पिज्जा बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए स्लाइस अनियंस, बेल पेपर्स,
पनीर टिक्का, चीज, पिज्जा सॉस, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो। हमने इसे एक साइड से सेक लिया है और जो कच्ची साइड थी आप देख सकते हैं उसे हमने नीचे की तरफ रखा है। जो पकी हुई साइड है जो कुक हो गई है उस पर हम सॉस लगाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले मैं इसमें ऐड करने वाला पिज्जा सॉस। सॉस को हमने अच्छे से फैला दिया है पिज्जा बेस पर। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीज ऐड करने वाला हूँ जो मुझे साइड से डालना है ताकि ये अच्छे से इसे अच्छे से आउटर कोटिंग मिल जाए। तो हम टॉपिंग डाल रहे हैं अनियन की टॉपिंग। अनियंस ऐड करने वाले हैं। अनियंस को अच्छे से फैला दीजिए सारी जगह पे। फिर हम डालने वाले हैं रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर। फिर हमने अच्छे से फाइनली जूलियन कर दिया था। इसे अच्छे से सारी जगह पे फैला देंगे। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं पनीर टिक्का। ये पनीर टिक्का पिज्ज़ा है इसलिए पनीर सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसमें। इसको मैं सबसे पहले सारी आउटर साइड में डालूंगा ताकि आप जब बाइट ले तो आपको हर एक पिज्जा पे पनीर का इवनली पीस आए। मैंने पनीर अच्छे से फैला दिया। अब इसमें मैं स्प्रिंकल करने वाला हूँ ड्राई ओरिगानो। मैं स्प्रिंकल करने वाला थोड़े से चिली फ्लेक्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे लास्ट में हमें चीज डालना है जिससे इसे अच्छे से सबको होल्ड कर सके। आपको उसे अच्छे से चीज से कवर कर देना है। चीज को मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब इस पे मैं कवर लगा के इसे करीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। गैस को आप फास्ट रखिए ताकि ये अच्छे से नीचे से इसे अच्छी हीट मिले। पिज्जा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और उसमें अच्छे से बबल आ रहा है। चीज पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे पैन से निकाल देंगे। आज मैंने जो पिज्जा बनाया है वो बेसिकली पनीर टिक्का पिज्जा है। ये बेसिकली इंडियन और इटालियन का फ्यूजन है जो आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए आपके क्या क्या लजीज लग रहा है और डिलीशियस लग रहा है। आपको इसे जरूर ट्राई कीजिए और आपके कमेंट्स और फीडबैक हमसे शेयर कीजिए और जैसे हमारे चैनल पर जाके लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही।